फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता अमेजिंग सा है ये, लेकिन बहुत ही इजीली आप अपने हेयर रिमूव कर सकते हैं और ये इसमें कोई भी आपको पेन नहीं होने वाला, नो रिस्क नो पेन। तो ये बहुत ही अमेजिंग सा डीआईवाई नहीं, ये एक प्रोडक्ट है जो कि आप इसे यूज करके पाउडर फॉर्म में आती है, जिसे मैं यूज करके आपको पूरा लाइव दिखाऊंगी और ये बहुत ही अमेजिंग सा वर्क करता है, आपके रिमूव कर देगा हेयर को, अनवांटेड हेयर को। आप अपने ये बहुत ही अच्छा है इसलिए अभी आप मेरे हेयर ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैं इसे अप्लाई करूंगी, तो ये वाला जो हमने यूज किया है ना, इसे हम मैं अभी इस हेयर पे इतना आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, सिर्फ ये लाइव कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो ये वो भी आप लोग देख लीजिए, इस तरह से अप्लाई करके इसे छोड़ देना है, तो छोड़ना है इसे थोड़ा सा जब ये ड्राई हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्शन ऑफ यूज दिया गया है, टेक हाफ स्पून रिमूवल पैक एंड मिक्स। आप इसे रोज वाटर या नॉर्मल वाटर में अप्लाई कर सकते हैं अफेक्टेड एरिया, दैट मीन्स आपको जहाँ से रिमूव करना है आपके हेयर को, आप अपने होल बॉडी पे इसे यूज कर सकते हैं। इसे 10 मिनट रखना होता है नॉर्मल हेयर के लिए, अगर आपके हार्ड हेयर है तो आप इसे 15 मिनट रखिए और वेट कॉटन से इसे वॉश कर दीजिए या फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या करना होता है आपको, अप्लाई करना होता है मॉइस्चराइजर या फिर एलोवेरा जेल, और ये आपके अनवांटेड हेयर को रिमूव करेगा विदाउट एनी पेन, डेड स्किन को रिमूव करेगा, टैनिंग को रिमूव करेगा। तो इसके इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं 100% नेचुरल है, रोज टर्मरिक ऑरेंज पील से बना हुआ है ये, इसके अंदर लिकोराइस और कैलोविन क्ले भी है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे यूज कर सकते हैं बॉडी पे, बिकिनी पे, बिकिनी लाइंस पे, अंडर आर्म्स के लिए, आर्मपिट, ये सारी चीज़ों पे, डार्क आर्मपिट, ये सारी चीज़ों पे आप यूज़ कर सकते हैं। इम्प्रूव करता है आपके स्किन के टेक्सचर को और इन्हांस करता है, स्मूथ एंड सिल्की और शाइनी बनाता है। तो ये सारी चीज़ें इस पे लिखी हुई है, ये कोई मेरा स्पॉन्सर वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, ये मैंने खुद बाय की है जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। सो देखिए चलिए अब देख लेते हैं हमने जो अप्लाई किया है उसका क्या हाल है। तो ये देखिए मैं आपको सिर्फ अपनी ईस में से एक हेयर को पकड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए ये बहुत ही आसानी से रिमूव हो गई, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं रखी है मैंने, ये देखिए ये इस तरह से रिमूव हो रही है, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे पूरा मैं कॉटन से आपको क्लीन करके दिखाती हूँ इस एरिया को। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर वाइप ले लिया है और इसे आप रिमूव करते हैं वाइप के हेल्प से, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये रिमूव हो गया है विदाउट एनी पेन। अगर आप चाहती हैं, अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं तो आप इसे यूज़ कर सकती हैं बहुत ही आसानी से। ये देखिए साइड के आपको हेयर दिख रहे होंगे, बट ये जो एरिया था जहाँ पे हमने अप्लाई किया था ये बहुत ही आसानी से रिमूव हो गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट सा लग रहा है, ठीक है। आप इसके बाद आपको एलोवेरा जेल वगैरह यूज़ करना है, बाद अब हम इसमें एलोवेरा जो है वो अप्लाई कर लेते हैं, एलोवेरा जेल। ये बहुत ही अमेजिंग सा फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, इसे ज़रूर अप्लाई करिए। अब मैं इसे पूरा रिमूव करूँगी अपने पैरों पे से, अगर आप ऐसा कुछ चाहती हैं, देख रही हैं बिना विदाउट पेन एनी रिस्क, तो फिर ये बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही अमेजिंग सा लग रहा है, बहुत स्मूथ लग रहा है ये सरफेस। बाकी के जगह पे मैं इसे यूज़ करके अपने अनवांटेड हेयर को और फेशियल हेयर को भी आप इसे रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, अपने लेग्स पे यूज़ कर सकते हैं, अपने हाथों पे यूज़ कर सकते हैं, ये लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके आपको मैंने दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, बहुत ही अमेजिंग सा ना, बहुत अच्छी तरह से ये रिमूव हो गया और हमारी स्किन जो है बहुत शाइन हो जाती है। और इसी तरह से आपको अपने पूरे हाथों पे, पैरों पे, आर्म्स पे, जहां पे भी आप अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करना चाहते हैं, फेस पे भी इसे यूज कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा कॉमेंट करके, और ये यूजफुल है आप लोगों के लिए तो कर दीजिएगा लाइक, एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में इस अमेजिंग से वीडियो को। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे आज।